गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा आठवें चौथा पाठ, तीन पाठ तक हमने सीखा। तीसरा पाठ कौन सा था? तो सच्चा, सॉरी मत बांटो इंसान को। और चौथा पाठ आज हम देखने जा रहे हैं, वो है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री नाम सुना होगा आपने, उनका सूत्र भी है। क्या है उनका सूत्र पता है किसी को? देखो आगे आता ही है, हम देखते हैं। पहले उनका लेखक परिचय देख लेते हैं, शंकर दयाल शर्मा। यह लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ही पूरा पाठ हम देखेंगे। और उसका आज पहला भाग ही हम देखेंगे, भाग ए, लेखक है शंकर दयाल शर्मा। अब शंकर दयाल शर्मा का लेखक परिचय देखें कि भारत के नौवे राष्ट्रपति थे जो शंकर दयाल शर्मा। उनका जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था और उन्होंने कई पुस्तक लिखे हैं जिनके नाम यहाँ मैंने लिखे हैं, देखो देशमणि, हमारे पथ दर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधार। प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधार, यह पुस्तकें शंकर दयाल शर्मा के लिखी थी। आगे हम शंकर दयाल शर्मा का परिचय देखते हैं कि भारत के नौवे राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा यानी शुरुआत की शिक्षा उन्होंने मध्य प्रदेश में ली थी। पढ़ाई क्रमशः उन्होंने आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय में तथा एमए एलएलबी की उपाधियां उन्होंने प्राप्त की। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जब पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं तो हमारे नाम के आगे डॉक्टर आ जाते हैं। आगे देखिए, उन्होंने एक वर्ष तक वो प्रवक्ता रहे। उन्होंने राजनीति की यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ऐसे सर्वोच्च पद पर आसीन हुए थे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें से कुछ पुस्तकें जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे थे आपको दिखाए, वो कि देशमणि, हमारे पत्र, प्रतिष्ठित भारतीय और हमारे चिंतन की मूलधारा, ये उनके पुस्तकें हैं। अब इस रेखा चित्र में, इस पाठ में शंकर दयाल शर्मा ने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का रेखा चित्र दिखाया है। उनका व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए उन्हें निष्कर्ष प्रस्तुत करा किया है कि अपने कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण भाव उनके जीवन विकास के मूलधारा थे। यह इकाई में समाविष्ट मूल्य जो है वो समर्पण, समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठता, कर्मठता और सेवा, ये पूरे रेखा चित्र में हमें लाल बहादुर शास्त्री के गुण दिखाई देते हैं। अब देखते हैं आगे पाठ के अंदर, आप अपनी पुस्तक अपने पास रखिए, कि लाल बहादुर शास्त्री एक महान कर्मयोगी थे। भाग्य के भरोसे बैठने वाले में से नहीं थे और कर्म के प्रति बिना किसी आस्था के वे पूरी तरह समर्पित थे। और उनमें गीता के निष्ठावान कर्मयोगी लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए पाठ में कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जुड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। कर्मयोगी क्या? कर्मयोगी यानी कि कर्म के मार्ग पर अनुसरण, कर्मयोगी। कर्म के मार्ग पर अनुसरण करने वाले,
शरीर और समय संपूर्ण समर्पण
कर दिया है अपने कार्य के प्रति। तो उनके उनका उद्देश्य क्या था? जो उद्देश्य वो मन में ठान लेते थे उनके प्रति दृढ़ आस्था कि मैं ये काम पूरा करके ही रहूंगा, ऐसी आस्था लेकर वो काम लेते थे। और कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, जो कर्म करते थे उस पर संपूर्ण समर्पण कर देते थे। ये तीन बातें, कौन सी तीन बातें? कर्म का भाव, कर्म प्रति दृढ़ आस्था और संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें उनके जीवन के चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई देती थी। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में काम करते हैं, यदि आपने उसमें सफल होना चाहिए तो अपनी दायित्व को पूरी करने की निर्वाह करना चाहते हैं तो आपके कार्य और संपूर्ण समर्पण तथा भक्ति और कर्म से समन्वय होना चाहिए। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म के समन्वय से होना चाहिए, ऐसा लाल बहादुर शास्त्री हमें कहते हैं कर्मों के प्रति आस्था रखने के लिए। तो ये पाठ के अगला भाग